ये होता क्या है? वी के सहारे। और ये इससे क्या होता है? धातु को हटाता है। अब आते हैं इसके हजार के बारे में। तो ग्राइंडिंग क्या है? हॉट वर्क में। तो इससे जब हम काटेंगे तो क्या होगा? इससे चिंगारी निकलता है, चिंगारी निकलता है। तो चिंगारी अगर कहीं भी फ्लेमेबल मटेरियल में पड़ेगा तो क्या होगा? आग लग सकता है। उसके बाद का बात करें तो ये जो ग्राइंडिंग मशीन है ये इलेक्ट्रिकल के सहारे चलता है। तो अगर हम क्या करेंगे कि हम अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, ओवरलोड दे रहे हैं, ज्यादा मतलब उसके कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का उसमें खराबी हो तो क्या हो सकता है? क्या इलेक्ट्रोकसन हो सकता है? इलेक्ट्रोकसन हो सकता है। उसके बाद बात करें तो व्हील को खोलने के लिए, मतलब निकालने के लिए ग्राइंडिंग मशीन से या उसमें लगाने के लिए एक की आता है। और साइड पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना की का ही उसको लूज कर लेते हैं, मतलब कि उस पहिए को, व्हील को क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं और उसको ऐसे ही टाइट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो व्हील है वो पूरा क्या होगा? बैठेगा नहीं, तो वो निकल सकता है, टूट सकता है चलने के दौरान। उसके बाद क्या दिक्कत होता है कि हम लोग आरपीएम देखना जरूरी होता है। आरपीएम सबसे जरूरी चीज होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, हम लोग को आरपीएम चेक करना। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोटेशन पर मिनट या रनिंग पर मिनट। रोटेशन पर मिनट या रनिंग पर मिनट, दोनों का अपना अपना आरपीएम होता है। ग्राइंडिंग मशीन का भी अपना आरपीएम होता है और व्हील का भी अपना आरपीएम होता है। ग्राइंडिंग मशीन का अपना आरपीएम और व्हील का भी अपना आरपीएम होता है। तो ग्राइंडिंग मशीन का जो आरपीएम होता है, सिंपल सा बात है, ग्राइंडिंग मशीन का 10,000 आरपीएम हो गया तो व्हील का आरपीएम कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कभी भी व्हील का आरपीएम, कोई भी घूमने वाला इक्विपमेंट है, कोई भी घूमने वाला मोटर है, उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं, उस मोटर के आरपीएम से क्या होना चाहिए? जैसे आपके बाइक में टायर लगता है, ये भी घूमने वाला यंत्र है, और बाइक में जो टायर घूमता है वो मोटर के सहारे ना घूमता है जी, ठीक है? तो वो मोटर के आरपीएम से कभी भी टायर का आरपीएम क्या होना चाहिए? तो वो सब में अप्लाई होगा, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं ग्राइंडिंग का। तो ग्राइंडिंग में जो हमारा, हम चेक क्या करेंगे? व्हील का आरपीएम, और क्या करेंगे? ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम। तो व्हील का आरपीएम हमेशा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ग्राइंडिंग मशीन का व्हील का कैपेसिटी, सॉरी ग्राइंडिंग मशीन का कैपेसिटी आरपीएम जो है व्हील के आरपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए या बराबर नहीं होना चाहिए। हमेशा व्हील का ही आरपीएम क्या होगा? ज्यादा। अब आते हैं ग्राइंडिंग मशीन को, हम लोग अपने इंडस्ट्रियल भाषा में बोला जाता है एजी का फुल फॉर्म होता है एंगल ग्राइंडर। और ये ग्राइंडिंग से दो काम होता है, कटिंग तो बताया ही है, पॉलिश का भी करने का काम होता है। मतलब धातु काटेंगे तो क्या होगा? नुकीला होगा तो उसको पॉलिश करना पड़ेगा ना, ठीक है? धारदार होगा तो उसको पॉलिश कर। तो ग्राइंडिंग मशीन से दोनों काम होता है। अब इसमें आरपीएम देख लेने के बाद हम लोगों को क्या देखना है कि जो मशीन का फिजिकल कंडीशन है और व्हील का फिजिकल कंडीशन, मशीन का फिजिकल कंडीशन क्या क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले कहीं टूटा उठा या कोई भी मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, उसका कोई केबल उबल या कोई भी चीज डैमेज नहीं होना चाहिए, कोड वोड डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो उसके ऊपर व्हील गार्ड लगा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करें तो व्हील, सॉरी